कहती है कि जिसने हत्या किया वो सरेंडर कर दिया, उसके सरेंडर करने से राबिया लौट आएगी। अरे जब मैंने पढ़ा मेरी मतलब रूह काम गई थी, मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो सकता है। कोई इतना ब्रूटल रेप कि बॉडी पार्ट्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स काट दिए, इतनी मतलब गला भी काट दिया, सब कुछ काट दिया। गुंडे से नहीं जितना घबरा रहा है ना, उतने पुलिस से घबरा था, क्योंकि पुलिस ही दिमाग देती है ऐसे करना वैसे। देखिए जो सरकार बैठी है ना वो महिलाओं को न्याय नहीं देती। पुलिस ही अपना पहले पेट भरेगी फिर हमारी बात सुनती है। वो बैठ जाओ साइड में जाके बैठ जाओ, जैसे हम कोई मुजरिम खुलेआम जाता है और घूम के आ जाता है। जो पत्रकार सच बोलेगा वो अंदर जाएगा, लेकिन महिलाओं के अंदर जो दम है ना, जब महिला अपने पे उतर जाएगी ना तो ये भी नहीं रह जाएंगे। वैसे महिलाएं तो सभी हैं, लेकिन अक्षय कांड जो है आप देखो दलितों में ज्यादा है। जी जी। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बहुत। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर महिला संगठनों ने मिल करके जो है एक प्रदर्शन किया है, जो कि राबिया, जो कि अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में जिसका रेप किया गया लड़की का, जो कि मुस्लिम थी और जो कि पुलिस में जॉब करती थी, और उसका बहुत निर्मम तरीके से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और 21 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, हम उन सभी महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या क्या चाहते हैं और इस केस में अब तक की क्या क्या अपडेट आ चुकी है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ओखला नून नगर से आए हैं। ओखला नून नगर से आए, किस लिए आए? हम अपना हक मांगने आए हैं, औरतों के साथ जो ये बलात्कार हो रहा है लड़कियों के साथ, उसके लिए अपना हक मांगने आए हैं। अच्छा। ये जो लड़की को मारा गया है संगम बिहार के, हमसे कुछ ही दूर पे रहती है लड़की। अच्छा। तो मुझे ये कहना है जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, सब कुछ हुआ है, तो कहाँ उसकी रिपोर्ट है जो कि दिखाई गई बिल्कुल नॉर्मल मौत। और यहाँ तो कानून का इतना बुरा हाल है कि अगर आप जाते हो, हमारे साथ दुख होता है, हम ही लगते हैं मुजरिम है, और जो मुजरिम है वो खुला घूमता रहता है। अच्छा, दिल्ली में ये चल रहा है? मतलब ये चल रहा है, पुलिस स्टेशन बात है ये। जी, मतलब जो इंसान के साथ घटना होती है उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हीं को विक्टिम बना के बैठाया जाता है 3-3 घंटे थाने में। जैसे कि हम ही ने कोई मतलब डर लगता है पुलिस स्टेशन जाने में। अच्छा, ये है। पुलिस स्टेशन जाते हो तो क्या बोलते हैं, मतलब न्याय के लिए? ये कहते हैं कि आप ही में कोई गलती हो गई या कुछ हुआ होगा, मतलब सारे कानून हम पे लाद दिए जाते कि तुम्हारे इधर से लड़की गई होगी कहीं घूमने के लिए फिरने के लिए। अच्छा। मतलब अभी नहीं देंगे, बैठे रहते हैं, चाय पानी करते हैं अपना, मतलब चाय पीते हैं, तमीज से बोलते भी नहीं है, बैठ जा अभी लिख रहे हैं केस। मतलब इतना बदतमीजी हाल है इस ओखला का, ओखला में तो सबसे ज्यादा। ओखला का पुलिस तो साफ बेकार है, साफ बेकार, बेकार पुलिस है, एकदम बेकार पुलिस है। पैसे घुस दिया, हाँ। बस बिक गया। अच्छा। गरीब का कोई रक्षा नहीं करता ओखला का पुलिस, और डाक बिका हुआ है, बिका हुआ है, साफ बिका हुआ है। अगर आप किसी मतलब कुछ मुश्किल में आप जीत है, ये बात तो सही इन्होंने बोला कि पैसे जिनका उनका। अगर हम कभी चोट लगता तो इंसान घबरा जाता है, गुंडे से नहीं जितना घबरा रहा है ना, उतने पुलिस से घबरा था, क्योंकि पुलिस ही दिमाग देती है ऐसे करना वैसे करना। क्योंकि हमें फोन करके तो बुला लिया जाता है कि तुम आ जाओ, तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, पहले ही उनसे सेटलमेंट हो जाता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, आदमी को तोड़ देंगे, तो इंसान क्या जाएगा? सबसे पहले थाने का हिस्सा अभी नेताओं से पहले, एक सेकंड, सबसे पहले ये पुलिस को सिस्टम सही करना पड़ेगा कि सारा हमें सर क्या दिया, पुलिस को क्या करने दिया है कि हमारी सुरक्षा करे। पुलिस ही अपना पहले पेट भरेगी फिर हमारी बात सुनती है। वो बैठ जाओ साइड में जाके बैठ जाओ, जैसे हम कोई मुजरिम खुलेआम जाता है और घूम के आ जाता है। आप कहाँ से आए? मैं छतरपुर से। छतरपुर से आए, आपको क्या फील हुआ कि आपको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था इसके बारे में, और जब मैंने पढ़ा मेरी मतलब रूह काम गई थी, मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो सकता है। कोई इतना ब्रूटल रेप कि बॉडी पार्ट्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स काट दिए, इतनी मतलब गला भी काट दिया, सब कुछ काट दिया, तो अब कैसे, इंसानियत तो मरी गई है यहाँ पर। आप स्टूडेंट हैं? Yes. अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें किसकी गलती हुई है, क्योंकि ये इकलौता मामला तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे ये तो रेपिस्ट की गलती है। अच्छा, ये लोग बाग पुलिस को भी अभी कह रहे हैं 100%। अच्छा, और सरकार के आपको कितना भरोसा है? अपनी सरकार कोई भरोसा नहीं। अच्छा। नहीं कोई मतलब ऐसा है ना कि हाँ होप होती है किसी से, कुछ भी होप नहीं है। किसान बैठे हैं उनकी तरफ से भी कोई होप नहीं है, ये आंदोलन चल रहा है इसका भी कुछ नहीं होगा जहाँ तक सरकार का। तो फिर आप कर क्यों रहे आंदोलन? अवेयरनेस लोगों को बताने के लिए, पता लगेगा ना, इकट्ठे होएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। सरकार ने कर दी, हम लोग करेंगे। जी जी, तो क्या इसमें जाति देख करके भी न्याय मिल रहा है आजकल भारत में?
निर्भया केस कितना कितना बड़ा एग्जांपल, उससे बड़ा एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता कुछ। अभी आपका ये प्रदर्शन कितनी देर तक चलने वाला है? देखो जब तक चलता है। इसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? इसके बाद करेंगे जब तक न्याय नहीं मिले, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हो तो उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तभी न्याय मिलता है। अगर हम आवाज़ ही नहीं, चुप रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो ताकि पता चले ये हो रहा है हमारे देश में, और देश को भी हम जगाएं। जो ये मोदी सरकार सो रही है, ये मोदी सरकार को जगाने के लिए ये सब हो रहा है। मोदी सरकार तो मानती है कि भारत देश हमारी माता है, माता के तौर पर माना जाता है, और माताओं का ही मतलब यहाँ पर ये धर्म के नाम पर है सब कुछ। ये इंसानियत नहीं है, ये सिर्फ धर्म का प्रदर्शन वो हो रहा है, प्रचार, यू नो, प्रचार है। यस ओके हाँ। तो मतलब सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, न्याय वगैरह देश में नहीं मिल रहा। देखिए जो सरकार बैठी है ना वो महिलाओं को न्याय नहीं देती है। अगर वो न्याय देती होती इतने कांड हो गए, उन्नाव कांड भी हुआ और हाथरस कांड भी हुआ, दिल्ली कांड भी हुआ, किसको न्याय मिला? आप ही लोग बताओ, आप लोग तो पत्रकार हो। ये सरकार किसी महिला को और खास करके दलित और गरीब लोगों को, वैसे महिलाएं तो सभी हैं, लेकिन अक्षय कांड जो है आप देखो दलितों में ज्यादा है। और भी है, अभी राबिया वाला केस देख लो आप, राबिया के साथ क्या हुआ? अच्छी पढ़ी लिखी होनहार लड़की है, उसके साथ ये घटना घट गई। उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीता होगा? उसके माँ बाप तो मरने के कगार पे हैं। सरकार तो इसको कहती है कि जिसने हत्या किया वो सिलेंडर कर दिया, उसके सिलेंडर करने से राबिया लौट आएगी या उसके माँ बाप का दुख कम हो जाएगा? लेकिन जो गुनहगार हो अगर ये कानून उसको सजा दे, निष्पक्ष सजा दे, तब तो कोई बात बने। यहाँ कानून के अंदर ना कोई दम नहीं है, कानून तो पैसों की कानून है, गरीबों की कानून नहीं है। तो आप मानते हैं कि कानून में दम नहीं रहा है? कानून में दम नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी, हाई कोर्ट जो भी वो सुनाता है ना, उसकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस, तीन जस्टिस बना दी गई है फीमेल। हाँ फीमेल बना दियो, कुछ भी बना दियो, मगर है तो वही उसी के मोदी आरएसएस के ही लोग हैं, मगर वो उसकी इम्प्लीमेंट खाली बात ही होती, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होता है। और न्याय के लिए हम तो गुहार लगाते रहते हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली विशेषकर, दिल्ली में लड़कियां घर से निकलने में डरती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। एक 4 साल की लड़की, अभी हाल में भवाना में 2-3 दिन पहले एक 4 साल की लड़की के साथ रेप हो गया और उसका मर्डर कर दिया। अभी तो इस तरह की घटना है, इस तरह की घटनाएं बहुत जगह पर है। तो इसका कई सरकार, चाहे केजरीवाल हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी इस पर सही तरीके से छानबीन भी नहीं कर रही है, ना किसी को सजा दे रही है। और कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि थाने में जाके FIR भी महिलाओं को नहीं लिखवा सकते। अगर महिलाएं जाती है FIR कराने के, उनके साथ पुलिस वाले भी बहुत गलत गलत बातें पूछते हैं। तो ये हालात है कानून की, तो वो क्या कहेंगे? तो इसी से सबसे ज़्यादा महिलाओं पर प्रहार हुआ है। सुना गया कि रबिया कुछ सरकारी आगे भी बढ़ना चाहती थी, IAS करना चाहती थी, वो फैमिली को भी अच्छा बनाना चाहती थी। तो जो अच्छा बनना चाहेगा उसको ये सरकार आगे जाने देगी? वो भी खास करके महिलाओं को है, वो भी मतलब इनके से आगे जाए वो इनको मंजूर नहीं है। ये जो कहें वो करो तब तो ये ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो महिला IAS बनने जा रही थी या वो कोशिश कर रही थी अपने परिवार को अच्छे जगह लाने के लिए, तो उसके साथ ये घटना घट गई। ऐसे और भी लड़कियां करेंगी उनके साथ भी घटना घट सकता है। हम तो सीधा सीधा सरकार और कानून को दोष देंगे। कानून अगर मजबूत हो तो इतनी घटनाएं ना घटे, घटना नहीं घटेगी बल्कि नहीं हो सकता, लेकिन इतनी ना घटे जितने आए दिन, कभी वहाँ सुन लो, कभी वहाँ सुन लो, कभी वहाँ सुन लो। ये सरकार तो ये सोचती है महिलाएं हल्ला मचा रही हैं चली जाएंगी, लेकिन महिलाओं के अंदर जो दम है ना, जब महिला अपने पे उतर जाएगी ना तो ये भी नहीं रह जाएंगे। पूरा मीडिया में भी दम होना चाहिए। अच्छा, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, मीडिया नहीं दिखाती है। दिख लगता है कि किसी ने आवाज ही नहीं उठाया, जब आवाज उठाते हैं उसको दबा देती है। अब इतनी बड़ी वो चल रहा है किसानों का, दिखाया है मीडिया ने? कहीं नहीं दिखाया। NDTV को तो बंद ही कर दिया कि वो दिखा रहा था। तो ये हालात है, यह हालात है सरकार के। तो मीडिया को भी निष्पक्ष होना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए हम खड़े हुए हैं उस चीज को दिखाएं, अन्याय को दिखाएं। बिके नहीं, मीडिया भी बिक चुकी है। बहुत कम ऐसे हैं जो ऐसे हैं, कुछ हैं मगर उनको आगे आने नहीं देते जो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे, जो पत्रकार सच बोलेगा वो अंदर जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ
लागू करने की बात करती है तो ये बेशरम सरकार उसको लागू नहीं करती। सुन, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, ये है दिखा देती है जनता को कि हमने भैया वो कोर्ट से ऑर्डर आया है हमने ये किया, लेकिन उसको हकीकत में कुछ करती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पे नहीं बोला, बोला ना कि आपने कोई चर्चा नहीं की कैसे लागू कर दिया, इसको वापस लो, लेकिन नहीं, सरकार अड़ी बैठी है, किसानों को मारने पे बैठी है। और 10 महीने लमसम 10 महीने होगा और किसान भी अड़े हैं कि भैया हम तो इस कानून को वापस करके ही घर जाएंगे। बिल्कुल, तो लगातार बातें होती रहती हैं, सरकार वादे करती रहती है, लेकिन जो हल है, रिजल्ट है, वो जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं निकल पाता।